रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी ने वर्ल्ड डेयरी समिट का किया शुभारंभ। पीएम बोले, दूध से जुड़ा व्यापार संस्कृति का है हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। ज्ञानवापी मामले में 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें की खारिज। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी को दी समाधि, धार्मिक रीति रिवाज से दी गई अंतिम विदाई। गुजरात में आप ऑफिस पर छापा, केजरीवाल बोले, समर्थन से बौखला गई है भाजपा। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सिंगार गौरी ज्ञानवापी मामले पर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कोर्ट से फैसले आने के बाद आज से तय हो गया है कि ज्ञानवापी केस सुनवाई के लायक है। वहीं ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की जीत हुई है, जिसके बाद लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं इस केस की अगली सुनवाई 22 सितंबर को की जाएगी, जिसको लेकर वाराणसी के अलावा बुलंदशहर और हरदोई से भी प्रशासन अलर्ट पर नजर आया। नहीं, सामान्य रूप से जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे और कहीं भी कोई अफवाह या कोई असमंजस की स्थिति न रहे। पुलिस और प्रशासन के प्रति लोगों में विश्वास रहे और सुरक्षा की भावना रहे, इसके लिए मेरे और डीएम साहब द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है शहर में और जनपद के अन्य थानों में भी स्थानीय अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया है। कानपुर में कुत्ते काटे जाने वाली घटनाएं सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है। इन घटनाओं से शहरवासियों को नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं नगर निगम ने सबसे पहले कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन पहल शुरू की है, जिसके बाद नागरिक सुरक्षा और पशु कल्याण जागरूकता अभियान के तहत फ्री एंटी रेबीज डॉक्टर वैक्सीनेशन और हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया। वहीं इस कैंप का उद्घाटन प्रमिला पांडे ने किया। इस दौरान देशी और विदेशी नस्ल के कुत्तों का ऑन स्पॉट पेट डॉग रजिस्ट्रेशन और पशु चिकित्सकों द्वारा वेरिफिकेशन किया गया। नहीं, ये अच्छा किया, पहले तो नहीं था ये रूल, अब ये रूल किया है, बहुत अच्छा किया है। एटलीस्ट लोगों का अवेयरनेस आएगा और वैक्सीनेशन और सब चीज़ें, आई थिंक बहुत अच्छा किया। आप यहाँ आई हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हुई? बहुत लेट काम है, सारे वर्क बहुत लेट हो रहे हैं। देखिए, आज तो मैं अपने डॉक्टर साहब को बहुत बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि ये तो हमने कार्यकारी बहुत पहले पास कर दिया था कि पूरे शहर में जो डागी हैं, देसी का अलग पैसा था और बाहर का कुत्तों का अलग पैसा था, सबका रजिस्ट्रेशन हो जाए और जो सड़क पर भी कुत्ते घूम रहे हैं उनको भी सबको टीके लग जाए, जिससे कि हम अपने जनता की सेवा कर सकें। उद्देश्य ये है कि कुत्तों की एक बीमारी रेबीज है जो अत्यंत घातक है और उससे लोगों के बचाव के लिए, कुत्तों में ये बीमारी ना हो उनके बचाव के लिए ये कैंप आज लगाया गया है। ये एंटी रेबीज वैक्सीनेशन इसमें फ्री नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ नगर निगम सीमा में अगर आप कुत्ते को रखे हुए हैं तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ये कानूनी रूप से अनिवार्य है, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की जो फीस है उसको जमा कराने के तत्काल बाद उनको रजिस्ट्रेशन यहाँ किया जा रहा है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन का भी वैक्सीन लगाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे संवाददाता अनिल का। अनिल, कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन पहल शुरू की गई है, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी, मैं बता दूं कि कानपुर नगर निगम ने जिस प्रकार से पूरे देश में कुत्ते के को काटने की जिस हिसाब से संख्या बढ़ती चली जा रही है और इसके तहत कानपुर नगर निगम ने एक बड़ी मुहिम चालू की है, जिसमें कानपुर नगर निगम कार्यालय में ही एक
इसका आयोजन किया गया था। आयोजन में जितने भी कुत्ते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था और जिसको एंटी रेबिट इंजेक्शन नहीं लगे थे उनको इंजेक्शन लगा के और आगे बढ़ाया जा रहा था। और कहीं ना कहीं अगर इन तरीके के मामले जब प्रमिला पांडे से बात हुई तो प्रमिला पांडे ने बोला जो महापौर हैं कि अगर इस तरीके के रजिस्ट्रेशन हो जाते तो बहुत अच्छी बात है और 30 तारीख के बाद पूरे कानपुर में एक महाअभियान चलाया जाएगा जिसके तहत जिन कुत्तों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं और इस तरीके के कुत्ते पाए जाते हैं जो कि पालतू हैं तो उनके जो भी इनके मालिक होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो सड़क वाले कुत्ते हैं जो पालतू नहीं हैं उनके खिलाफ यदि इन तरीके के मामले अक्सर आते हैं और काटे जाते हैं तो जहां भी इनको पाया जाएगा उनको नगर निगम अपने जब्त में कर लेगा। जी धन्यवाद अनिल तमाम जानकारी के लिए। फरीदाबाद के पीयूष महेंद्रा मॉल में कुछ दिन पहले लिफ्ट टूट गई थी। आपको बता दें कि लिफ्ट में फंसी एक बच्ची समेत 5 लोग फंसे हुए थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों की जान बचा ली है जिसके बाद घंटों लिफ्ट में फंसे रहे लोगों ने मॉल की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मॉल की सिक्योरिटी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। इस दौरान लिफ्ट में फंसी छोटी बच्ची 3 बार बेहोश हुई। फिलहाल एक बड़ा हादसा होने से टल गया। केक लेने गए थे और डिनर करने के लिए गए थे सो कम से कम 1 घंटे हम लोग लिफ्ट में फंसे रहे तो हमने फिर अपने लिफ्ट के अंदर लाइट वाइट नहीं थी और बुरी तरह हम लोग फंसे हुए थे बेसमेंट के अंदर तो हमने अपने मीडिया फ्रेंड्स वगैरह को फ़ोन किया पुलिस को फ़ोन किया DSP ऑफिस वगैरह तो वहाँ से फिर पुलिस वगैरह पहुँची है। उन्होंने फिर इनके मैनेजर्स वगैरह को बुलाया। यहाँ पर कोई इनकी मेंटेनेंस टीम नहीं थी इनका कोई भी इंजीनियर टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं था। पीयूष मॉल है जो अपना मेट्रो चौक से मस्जिद की तरफ जाते हैं ना वहाँ पे हमारे पास 10 बजे कॉल आई कंट्रोल से अपने CPOP से कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे लिफ्ट में जो है ना कुछ व्यक्ति वहाँ अंदर घुस गए हैं लिफ्ट ख़राब हो गए हैं। इतला मिलती है हमें ना तुरंत वहाँ पर पहुँचे फटाफट हमारी एक डायल 112 वहाँ पहुँची SHO साहब अपने कोतवाली सोमवीर जी वहाँ पहुँचे चौक इंचार्ज वहाँ पहुँचे हमारी फटाफट वहाँ से जो है ना हमने अपना जो उसका मालिक था उसको फ़ोन किया इलेक्ट्रिशियन थे उनको फ़ोन किया जब वो चाबी चुबी वगैरह निकाल करके उनके कम से कम आधा घंटा लग गया वहाँ से निकालते। गाजीपुर के जंगीपुर में पुलिस ने हीरोइन तस्कर के साथ उसकी बहन को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों के पास से लगभग 1 किलो 575 ग्राम हीरोइन बरामद की है जिसकी कीमत लगभग 70 से 80 लाख बताई जा रही है। काफी दिनों से पुलिस को तस्कर की तलाश थी वहीं इस तरह से मानक पदार्थों की सप्लाई करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। बाबू बनारसी नाम के व्यक्ति का नाम जो है वो सामने आ रहा था। जब उनका सारा सर्विलांस डेटा वगैरह एनालाइज किया गया तो ये बात पता चली कि सुहेल अंसारी नाम का एक व्यक्ति ही बाबू बनारसी है और इसके ऊपर अगर काम न करेंगे तो काफ़ी अच्छी रिकवरी जो है इसमें हो सकती है। इसमें जंगीपुर पुलिस स्वाट नगर टीम के स्वाट टीम इनके द्वारा बाबू बनारसी उर्फ सुहेल अंसारी की गिरफ्तारी करने में पुलिस को कल कामयाबी प्राप्त हुई है। इसकी सिस्टर जो रईसा बानो है वो भी इस गिरोह के एक इम्पोर्टेंट मेम्बर है। लगभग 915 ग्राम का हीरोइन जो है इसमें से बरामद हुआ है और उसकी जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 70 से 80 लाख रुपए आकी जा रही है। खबर यूपी के सीतापुर से है जहां ग्राम पंचायत नरसिंहौली में कोई भी सफाई कर्मी नहीं है जिससे चलते ग्राम प्रधान वेद प्रकाश को अपने आप गांव में सफाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं जब ग्राम प्रधान से प्राइम टीवी की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत नरसिंहौली 8 गाँव आते हैं लेकिन किसी भी गाँव में सफाई कर्मचारी की तैनाती नहीं है। प्रधान जौन है दिन रात मेहनत करते हैं और एक रोग हो गुना फैले एक वजह तेरे हम लोग बीमार हो जाए तो नहने के दौरी तो इनका जौन है यह बद कहते हैं साफ सफाई और मिलजुल के यहाँ और प्रधान अपने आप जुटिया जाते हैं जुटे रहते हैं तो यहाँ पे कोई सफाई कर्मी नहीं आता है। सफाई कर्मी कोई ना आवत है सफाई करने की मजबूरी है। हमारी ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी पोस्ट नहीं है। यहाँ हमारे इधर विद्यालय है रोड के दोनों तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी मलमा पड़ा रहता है। बच्चे आते हैं तो उनको आने जाने बहुत दिक्कतें होती हैं लेटिंग पड़ी रहती है इधर ये वो सब चीज़ पड़ा रहता है घास है पूरा करकट है पॉलीथीन वगैरह लोग डाल देते हैं। यहाँ हमारे यहाँ बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है।
खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां महसूनिया गांव में बनी सड़क जर्जर हो गई। सड़क में गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों का निकलना दूभर हो गया है। आपको बता दें कि सड़कों पर पत्थर उखड़े पड़े हुए हैं। इस ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है और राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द ही सड़क दुरुस्त कराने की मांग की है। काफी दिनों से टूटी पड़ी हुई है। कई बार लोग कहते शिकायत भी की गई। हाँ, शिकायत भी की गई, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, यहाँ से कितने गांव के लोग लगभग निकलते हैं? अरे, बहुत सारे लोग यहाँ से निकलते हैं। 10-12 गांव के लोग तो निकलते ही हैं, बाकी अन्य जगहों से जो लोग आते हैं वो भी यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, स्कूली बच्चे भी लोग कह रहे हैं कि यहीं से निकलते हैं? स्कूली बच्चे काफ़ी यहाँ से जाते हैं। संबल में जिला अधिकारी के आदेशों के बावजूद झोला छाप डॉक्टर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नर्सिंग होम में देखने को मिला। आपको बता दें कि डॉक्टर ने गर्भवती महिला को खून चढ़ाया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। वहीं अस्पताल में डिलीवरी से लेकर कई तरह के काम डॉक्टर ही करते हैं, जिसके बाद जिला अधिकारी ने सख्त आदेश दिए हैं और शहरों में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। अच्छा, यहाँ पे अस्पताल में तो कौन सा अस्पताल है, क्या नाम है इसका? हार्दिक नर्सिंग होम। हार्दिक नर्सिंग होम काली मंदिर के सामने ही है। अच्छा, तो आप कहाँ गए, अस्पताल वाले कहाँ गए सब? अच्छा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अब कितने पैसा जमा कराए थे तुमसे? पहले 30,000 रुपए जमा करा लिए थे, दो बोतल ब्लीड मंगा लिए था, फिर एक बोतल ब्लीड चढ़ गया, एक बोतल रखी है अभी। अच्छा, और उससे पहले मेला खत्म हो गए? बिल्कुल। क्या नाम है इनका जो खत्म हुई है? पहला ये धनारी क्षेत्रीय आई हुई है, तो उसको उसकी रिपोर्ट में जो हीमोग्लोबिन का काफ़ी कम है, 5% है। अल्ट्रासाउंड के अनुसार उसके जो बेबी है वो 33 वीक का है, लेकिन इन्होंने उसको ब्लड इन्फ्यूजन किया है, लेकिन आफ्टर डेथ उसके डेथ मतलब हो गई है 3 o'clock आज इस टाइम। लेकिन डॉक्टर साहब जो BMS है, इनको ब्लड चढ़ाने का अधिकार नहीं है, लेकिन इनका जो हमने वो देखा मेडिकल स्टोर, उसमें सभी एलोपैथी की मेडिसिन है, लेकिन डॉक्टर साहब के अनुसार ये उसका आयुर्वेद की मेडिसिन मतलब चढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी आयुर्वेद की मेडिसिन नहीं है, इस वजह से अनियमितता के कारण इनका हॉस्पिटल सीज किया जा रहा है। खबर संभल से है, जहां महीने पहले मिले जुनैद की हत्या को लेकर गुफार ने थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि पुलिस ने सिर्फ एक ट्रैक्टर ट्रॉली 7 व्यक्तियों को हिरासत में लिया था, लेकिन इसके बाद पुलिस ने गफार की तरफ FIR दर्ज की और हत्या का मामला भी दर्ज नहीं किया, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। दर्ज गफार को इंसाफ नहीं मिलेगा या नहीं, देखने वाली बात होगी। मामला पूरा ये है सर, हम जो जाने का हमने प्लान किया वो इतने जाने का हमने प्लान कर लिया, इतने भी पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने क्या प्लान हमारा रुकवा दिया, बोले हम जो तुम्हारी पूरी कार्रवाई करेंगे और इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे, जेल भेजेंगे। हमने उनकी बात मान ली, बोले ठीक है सर, आप गिरफ्तार करो उन्हें। तो उन्होंने 6 लोग गिरफ्तार करे। गिरफ्तार करने के बाद में आज तक उनका कोई चालान नहीं करा। चालान करने के बावजूद फिर क्या, बोले वहाँ पे SP साहब के साथ वहाँ पे बयान दे, अपने यहाँ भी हमने बयान दिए। 3-4 दिन हमें यहाँ हो गए आते हुए। पुलिस पैसा उनको जो जिसको पकड़ा उन्हें पैसा लेती है, छोड़ देती है। खबर अमेठी से है, जहां अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज कोतवाली एवं तहसील क्षेत्र अंतर्गत बांदा टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गुजर टोल गांव में बनाए गए अवैध मदरसे को न्यायालय के आदेश पर जमींदोज किया गया। न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर की मदद से धराशाही किया गया। इस कार में गौरीगंज ADM सहित 5 थानों की पुलिस फोर्स मौजूद थी। अवैध मदरसा साल 2009 से संचालित था, फिलहाल पिछले 2 सालों से ये खाली पड़ा हुआ था, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा था। तो वहीं अमेठी के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध मदरसों को ध्वस्त करने के बाद एहतियातन वहां पर पुलिस फोर्स लगाई गई है और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था संबंधित प्रतिकूल परिस्थिति सामने नहीं आएगी। 2009 से गुजरटोला गांव में एक अवैध निर्माण के बारे में प्रशासन ने एक फैसला लिया था, उसका आज सुबह पुलिस और प्रशासन दोनों मिला के इसको अनुपालन किया है।
कहाँ लैंड ऑर्डर का कोई समस्या नहीं, सामान्य स्थिति। लखनऊ में विद्युत समाधान सप्ताह के मौके पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने समाधान शिविर का निरीक्षण किया, साथ ही उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। वहीं समाधान शिविर के बारे में पूरे क्षेत्र में टीम लगाकर उपभोक्ताओं को समाधान शिविर की जानकारी देने को कहा, जिससे अधिक से अधिक लोग जागरूक होंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साफ।